वहीं भिवानी जिले में लगातार 5 सालों से लिंगानुपात में खासा सुधार हुआ है। ये सुधार यूं ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियां होंगी। इसी सुधार के क्रम को ध्यान में रखते हुए अब बाल विकास की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने भिवानी के उपायुक्त सुजान सिंह को सम्मानित किया। वहीं जिला उपायुक्त ने भी इसका सारा श्रेय भिवानी के लोगों, सामाजिक संस्थाओं और अधिकारियों को दिया है। आपको बता दें, भिवानी जिले में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी, लेकिन अब इसमें 10% का सुधार हुआ है। इस सुधार के मद्देनजर भारत सरकार ने हरियाणा के 2 जिलों को इस बेहतरीन सुधार के लिए चुना है, जिसमें भिवानी का नाम भी शुमार है। बेटी पढ़ाओ का लगाओ, बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आप जैसे जानते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली बारी में अपने हरियाणा पानीपत से ही 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था। तो जो लिंगानुपात बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति में पहुँच गया था पूरे देश में, हरियाणा भी उसमें था, लेकिन हरियाणा में ऐसे मुहिम शुरू की गई जिसको पानीपत की चौथी लड़ाई का भी नाम दिया गया। तो आपके इस जिले में भी उस दिशा में बहुत कार्य हुआ और उस समय जो लिंगानुपात था उसमें बढ़ोतरी थी, उसमें आप सबका सहयोग रहा स्वयं।